बिग बॉस के घर में होने वाला है डबल एविक्शन और ये बात किसी और ने नहीं, खुद बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने बताया है। क्या है पूरी डिटेल, आखिर किस कंटेस्टेंट ने डबल एविक्शन की भविष्यवाणी की, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वेल, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते नॉमिनेशन के लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हैं, तो अब इन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी एक का इस वीकेंड के बाद पे एडिक्शन होगा, तो वहीं सभी कंटेस्टेंट ने अपना अपना बैग पैक कर लिया है। तो वहीं आज के लाइव फीड में हमें अभिषेक, फलक और मनीषा तीनों आपस में बात करते नजर आ रहे थे। फलक जो है वो मनीषा से कहती है कि मैंने अपना सारा बैग पैक कर लिया है, अपना सारा सामान पैक कर लिया है, जब मेरा एविक्शन हो, जब मैं एडिक्ट होकर जाऊं, तो तुम लोग मेरा सामान भिजवा देना। तो इसी बात को लेकर अभिषेक और मनीषा दोनों कहते हैं कि इतना जल्दी तो एडिक्ट नहीं होगी। अभिषेक यानी कि फुकरा ये भी कहते हैं कि अब तक अभिषेक और मनीषा ने जितने भी एविक्शन को लेकर ये किया है, भविष्यवाणी किया है, वो सच होते गया है। तो मनीषा कहती है कि इस बार 2 एविक्ट नहीं होगी, कोई और एविक्ट होगा और इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकती। तो अभिषेक का कहना है कि अभिषेक और मनीषा की बातें सत्य होती है एविक्शन को लेके, तो उन्होंने डबल एविक्शन का भविष्यवाणी किया है। तो अब देखते हैं कि इस वीकेंड के वार पे कितना एविक्शन होता है, कौन से कंटेस्टेंट एविक्ट होते हैं। वेल, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूँ तो मुझे लगता है कि साइरस को एविक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइरस जो है अभी बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं शो में। कल टॉर्चर टास्क के दौरान भी हमने देखा कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, हालांकि साइरस के साथ साथ पूजा भट्ट, अविनाश, मतलब इन लोग भी बहुत पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी बाकी के कंटेस्टेंट ने तो अपना पूरा एफर्ट दिया है। तो मेरी जो पर्सनल राय है, साइरस और जैड, हाँ जैड भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, हालांकि जैड को तो बहुत सारी बातें जो है वो समझ में ही नहीं आता है। आज हमने लाइव फीड में देखा कि वो वीक को लेके कंफ्यूज थे, सोमवार मंगलवार, मतलब वो कंफ्यूज थे, उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, तो उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। लेकिन हाँ, अगर डबल एविक्शन होता है तो मुझे लगता है साइरस और जैड को एविक्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कौन से दो कंटेस्टेंट को एविक्ट होना चाहिए, या फिर किसी एक का एविक्शन होता है तो कौन से कंटेस्टेंट को बिग बॉस OTT का सफ़र ख़त्म करके घर जाना चाहिए, कमेंट में हमें बताएं। बिग बॉस OTT के रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप। तो